आज हम बाबा के गुरुकुल में बिपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर 12 स्वराज्य के लिए संघर्ष पार्ट 1 को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का 5वां भाग है। अगर आप पहले 4 भाग को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं स्वराज्यवादी। 1922 से 1928 के दौरान भारतीय राजनीति में बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। असहयोग आंदोलन के रोके जाने से तत्कालिक रूप में राष्ट्रवादियों के बीच हताशा की भावना फैली। इसके अलावा जिन नेताओं को यह फैसला करना था कि आंदोलन को निष्क्रिय बनाने से कैसे बचाया जाए, उनके बीच गहरे मतभेद उभर आए। इनमें से एक विचार के प्रतिनिधि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, जिन्होंने बदली हुई परिस्थितियों में एक नए प्रकार की राजनीतिक गतिविधि का सुझाव दिया। उनका कहना था कि राष्ट्रवादियों को विधानमंडलों का बहिष्कार समाप्त करके उनमें भाग लेना चाहिए, सरकारी योजनाओं के अनुसार उनके चलने में बाधा डालनी चाहिए, उनकी कमजोरियों को सामने लाना चाहिए, उनके राजनीतिक संघर्ष का क्षेत्र बनाना चाहिए तथा इस प्रकार जन उत्साह जगाने में उनका उपयोग करना चाहिए। अपरिवर्तनवादी कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद तथा दूसरे लोगों ने विधानमंडलों में जाने का विरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि संसदीय राजनीति में भाग लेने से जनता के बीच काम की अपेक्षा होगी, राष्ट्रवादी उत्साह कमजोर पड़ेगा और नेताओं के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा होगी। इसलिए ये लोग चरखा चलाने, चरित्र निर्माण, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत का खात्मा तथा गांवों में और गरीबों के बीच निचले स्तरों पर कार्य जैसे रचनात्मक कार्यों पर जोर देते रहे। उनका कहना था कि इससे देश धीरे धीरे जन संघर्ष के एक और दौर के लिए तैयार होगा। दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिवों में से एक थे। नई पार्टी को कांग्रेस के अंदर ही एक समूह के रूप में काम करना था। इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरी ही तरह स्वीकार किया, सिवाय एक बात छोड़कर, यह पार्टी काउंसिल के चुनाव में भाग लेगी। स्वराज्यवादियों तथा अपरिवर्तनवादियों के बीच अब एक तीखा राजनीतिक विवाद उठ खड़ा हुआ। गांधी जी इस बीच स्वास्थ्य संबंधी आधार पर 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिए गए थे, मगर वे भी इनमें एकता कायम करने में असफल रहे। लेकिन दोनों ही पक्ष सूरत में 1907 में हुए विभाजन के कड़वे अनुभव को दोहराने से बचना चाहते थे। गांधी जी की सलाह पर दोनों समूहों ने कांग्रेस में ही रहकर अलग अलग ढंग से काम करने का फैसला किया। स्वराज्यवादियों को तैयारी के लिए बहुत कम समय मिला था, मगर नवंबर 1923 के चुनावों में उन्हें अच्छी तरह सफलता मिली। केंद्रीय धारा सभा की चुनाव से भरी जाने वाली 101 सीटों में से 42 उन्होंने जीत ली। दूसरे भारतीय समूहों के सहयोग से उन्होंने केंद्रीय धारा सभा में तथा अनेक प्रांतीय परिसरों में सरकार को बार बार हराया। स्वशासन, नागरिक स्वाधीनताओं और औद्योगिक विकास के प्रश्नों पर अपने प्रभावशाली भाषणों के द्वारा उन्होंने आंदोलन चलाया। मार्च 1925 में एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर निर्वाचित करवाने में भी वह सफल रहे। जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन फिर से शक्ति जुटाने में लगा था, ऐसे समय में उन्होंने राजनीतिक शून्य को भरा।
उन्होंने 1919 में सुधार कानून के खोखलेपन को भी उजागर किया, लेकिन वे भारत की निरंकुश सरकार की नीतियों बदलने में असफल रहे और पहले मार्च 1926 और फिर जनवरी 1930 में उन्हें केंद्रीय धारा सभा का बहिष्कार करना पड़ा। इस बीच अपरिवर्तनवादी शांति के साथ रचनात्मक कार्यों में लगे रहे। इस कार्य के प्रतीक रूप में पूरे देश में सैकड़ों आश्रम स्थापित हुए, जिनमें युवा स्त्री पुरुष चरखा और खादी को प्रोत्साहित करते थे तथा निचली जातियों और आदिवासी जनता के बीच काम करते थे। ऐसे सैकड़ों राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज स्थापित हुए, जिनमें युवक युवतियों को उपनिवेश विरोधी विचारधारा में प्रशिक्षित किया जाता था। इसके अलावा रचनात्मक कार्य करने वालों ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन के संगठनकर्ताओं के रूप में उसकी रीढ़ की हड्डी का काम किया। स्वराज्यवादी और अपरिवर्तनवादी भले ही अपने अपने ढंग से काम करते रहे हों, मगर उनके बीच कोई बुनियादी मतभेद नहीं था, क्योंकि दोनों के परस्पर अच्छे संबंध थे और दोनों ही एक दूसरे के साम्राज्यवाद विरोधी चरित्र को स्वीकार करते थे। इसलिए बाद में जब एक नए राष्ट्रीय संघर्ष का समय आया तो दोनों आसानी से एकजुट हुए। इस बीच जून 1925 में चितरंजन दास के निधन से राष्ट्रीय आंदोलन और स्वराज्यवादियों को एक और गहरा धक्का लगा। असहयोग आंदोलन में जब उतार आया और जनता में कुंठा की भावना भर गई, ऐसी स्थिति में सांप्रदायिकता अपना घिनौना सिर उठाने लगी। सांप्रदायिक तत्वों ने स्थिति का फायदा उठाकर अपने विचारों का प्रचार किया और 1930 के बाद देश के बाद एक कई सांप्रदायिक दंगे हुए। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दिसंबर 1917 में फिर सक्रिय हो उठी। नतीजा यह हुआ कि हम सबसे पहले भारतीय हैं की भावना, जो काफी पहले से चली आ रही थी, को गहरा धक्का लगा। स्वराज्यवादी पार्टी के नेता मोतीलाल नेहरू और दास कट्टर राष्ट्रवादी थे, मगर सांप्रदायिकता ने इस पार्टी को भी विभाजित कर दिया। प्रत्युत्तरवादी कहे जाने वालों के एक वर्ग ने सरकार को अपना सहयोग करने का प्रस्ताव रखा ताकि तथाकथित हिंदू हितों की रक्षा की जा सके। इस गुट में मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और एनसी केलकर शामिल थे। उन्होंने मोतीलाल नेहरू पर हिंदुओं को धोखा देने का आरोप लगाया। सत्ता के फेंके हुए टुकड़ों को हथियाने के लिए लड़ाई में मुस्लिम संप्रदायवादी भी पीछे ना रहे। गांधी जी ने बार बार जोर देकर कहा था कि हिंदू मुसलमान एकता हर काल में और सभी परिस्थितियों में हमारी आस्था होनी चाहिए। उन्होंने ही हस्तक्षेप करके स्थिति सुधारने की कोशिश की। सांप्रदायिक दंगों के रूप में देखी गई दरिंद्रगी का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने दिल्ली में मौलाना मोहम्मद अली के घर में सितंबर 1924 में 21 दिनों का उपवास किया, लेकिन उनके प्रयासों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। देश में स्थिति सचमुच गंभीर थी, राजनीतिक उदासीनता आम बात थी। गांधी जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया था, स्वराज्यवादी बढ़ चुके थे और सांप्रदायिकता फल फूल रही थी। मई 1927 में गांधी जी ने लिखा, प्रार्थना और प्रार्थना का प्रत्युत्तर मेरी अकेली आशा है, लेकिन राष्ट्रीय उभार की शक्तियां चुपके चुपके बढ़ रही थी। नवंबर 1927 में जब साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई तो भारत इस अंधेरे से फिर बाहर निकला और राजनीतिक संघर्ष का एक नया युग आरंभ हुआ। तो यहां पर आपका ये चैप्टर
समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 13 स्वराज्य के लिए संघर्ष भाग 2 नई शक्तियों का आविर्भाव को पढ़ेंगे। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।